गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड एंड योर मैम इज ऑल्सो गुड. आई एम ममता मैम. टुडे आई टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट. दिस इज योर इंग्लिश बुक. ओपन दिस बुक. डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ए टू जेड पढ़ाया था. नाउ आई विल रीड इट अगेन रिपीटिंग द सेम टू यू. मीन्स अब मैं आपको इसी को दोबारा रिपीट करते हुए फिर से पढ़ाऊंगी. ओके, जिससे कि आपको अच्छे से पढ़ना भी आ जाए और लर्न भी हो जाए. ओके, सो लेट स्टार्ट. ए, ए से ए, एस से आन, ए आन, ए आन. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ आन? ए एन टी आन. बी से बा, बा से बॉल, बी से बा से बॉल, बी बा बॉल. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ बॉल? बी ए डबल एल बॉल. सी से का से कैट, सी से का से कैट, सी का कैट, सी का कैट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ कैट? सी ए टी कैट. डी से डा से डॉग, डी डा डॉग, डी डा डॉग, डी डा डॉग, डी डा डॉग. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ डॉग? डी ओ जी डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. ई से ए, ए से एलिफेंट, ई से ए से एलिफेंट, ई ए एलिफेंट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट? ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. एफ से फा, फा से फिश, एफ से फा, फा से फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ फिश? एफ आई एस एच फिश. फिश मीन्स मछली. टर्न योर पेज. जी से गा, गा से गॉट, जी से गा से गॉट, जी गा गॉट, जी गा गॉट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ गॉट? जी ओ ए टी गॉट. गॉट मीन्स बकरी. एस से हा, हा से हैन, एस से हा, हा से हैन, एच हा हैन, एच हा हैन. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ हैन? एफ ई एन हैन. हैन मीन्स मुर्गी. आई से ई, ई से आइसक्रीम, आई से ई, ई से आइसक्रीम, आई ई आइसक्रीम, आई ई आइसक्रीम. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ आइसक्रीम? आई सी ई, आई सी आर ई ए एम आइसक्रीम. जे से जा, जा से जैक फ्रूट, जे से जा से जैक फ्रूट, जे जा जैक फ्रूट, जे जा जैक फ्रूट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जैक फ्रूट? जे ए सी के जैक एफ आर यू आई टी फ्रूट, जैक फ्रूट. के से का से काइट, के का काइट, के का काइट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ काइट? के आई टी ई काइट. काइट मीन्स पतंग. डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको ऐसे साथ साथ में पढ़ते रहना है. ओके, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए और पढ़ना भी आ जाएगा. ओके, एल से ला, ला से लायन, एल ला लायन, एल ला लायन, एल ला लायन. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ लायन? टेल मी. यस, एल आई ओ एन लायन. लायन मीन्स शेर. मैंने आपको बताया था ना, शेर जंगल का राजा है ना. एम से माँ, माँ से मून, एम से माँ, माँ से मून, एम मा मून, एम मा मून. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ मून? एम डबल ओ एन मून. मून मीन्स चांद. एन से ना, ना से नेक, एन से ना, ना से नेक, एन ना नेक्स्ट, एन ना नेक्स्ट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ नेक्स्ट? एन ई एस टी नेक्स्ट. नेक्स्ट मीन्स घोसला.
ओ से ओ, ओ से आउल, ओ से ओ, ओ से आउल. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ आउल, टेल मी. यस, ओ डब्ल्यू एल, आउल. आउल मीन्स उल्लू. पी से पा, पा से पैरेट. पी से पा, पा से पैरेट. पी पा पैरेट, पी पा पैरेट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ पैरेट, टेल मी. यस, पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट. पैरेट मीन्स तोता. क्यों से क्यों, क्यों से क्वीन. क्यों से क्यों, क्यों से क्वीन. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ क्वीन, टेल मी. यस, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन. क्वीन मीन्स रानी. क्वीन मीन्स रानी. आर से रा, रा से रेनबो. आर से रा से रेनबो. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ रेनबो, आर ए आई एन, रैन बी ओ डब्ल्यू, रेनबो. टर्न योर पेज. एस से सा, सा से स्नैक. एस से सा से स्नैक. एस अ स्नैक, एस अ स्नैक. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ स्नैक, एस एन ए के ई, स्नैक. स्नैक मीन्स सांप. टी से टा, टा से टाइगर. टी से टा से टाइगर. व्हाट डियर स्टूडेंट, आप भी हमारे साथ स्पीक करते रहिए, ओके, जिससे आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा, ओके. टी से टा से टाइगर. टी टा टाइगर, टी टा टाइगर. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ टाइगर, टेल मी. यस, टी आई सी ई आर, टाइगर. टाइगर मीन्स बाघ. यू से आ से अम्ब्रेला. यू से आ से अम्ब्रेला. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. वी से वा, वा से वायलेंट. वी से वा, वा से वायलेंट. वी वा वायलेंट, वी वा वायलेंट. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ वायलेंट, वी आई ओ एल आई एन, वायलेंट. डब्ल्यू से वा, वा से वेल. डब्ल्यू से वा, वा से वेल. डब्ल्यू वाह वेल, डब्ल्यू वाह वेल. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ वेल, टेल मी. यस, डब्ल्यू ई डबल एल, वेल. वेल मीन्स कुआं. एक्स से कस, कस से एक्सेलोफोन. एक्स से कस, कस से एक्सेलोफोन. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ एक्सेलोफोन, एस वाई एल ओ, एक्सेलो पी एच ओ एन ई, फोन. एक्सेलोफोन. वाई से या से याज. वाई से या से याज. वाई या याज, वाई या याज. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ याज, टेल मी. वाई ए सी एस टी, याज. याज मीन्स कश्ती. जेड से ज, जस से जू. जेड से ज, जस से जू. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जू, टेल मी. यस, जेड डबल ओ जू. जू मीन्स चिड़ियाघर. मैंने आपको बताया था ना. अब आपको देखिए ए टू जेड आप साउंड में कैसे पढ़ेंगे. अब हम आपको साउंड में पढ़ना बता रहे हैं. आपको ऐसे साउंड में पढ़ना है, आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और अच्छे से आ भी जाएगा, है ना. तो आपको हम जैसे बता रहे हैं साउंड में पढ़ने के लिए, ऐसे ही आप पढ़िए, ओके. चलिए लेट्स स्टार्ट. ए बी सी डी ई एफ सी. अभी डियर स्टूडेंट आप भी हमारे साथ बोलिए. ए बी सी डी ई एफ सी. A B C D E F G H I J K L M N O P. H I J K L M N O P. Q R S T U V W. Q R S T U V W. X Y Z. X Y Z. Dear student, एक बार फिर से repeat करते हैं, okay? फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई जेड. ओके डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको अभी रीड कराया है, आपको इसको ऐसे ही रीड करना है, ओके. आपको इसको मैक्सिमम 10 बार रीड करना है, जिससे आपको
अच्छे से लर्न हो जाए। और मैंने आपको जैसे बताया है, जैसे रीड करना बताया है, आपको सेम इसी तरह से पढ़ना है, ओके, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ना बताया है, अब इस वीडियो में मैं आपको राइट करना बताऊंगी। ओके डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अल्फ़ाबेट में ए टू एक्स कैपिटल और स्मॉल लेटर में राइट करना बताया था। आई होप आपने उसको अच्छे से राइट किया होगा। सो टुडे आई टेल यू टू राइट फॉर द अल्फ़ाबेट, मींस अब मैं आपको उसके आगे के अल्फ़ाबेट को राइट करना बताऊंगी। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट, मींस सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट मेंशन करना है। क्या करना है, डेट मेंशन करना है ना। टुडे विच डेट, टेल मी। यस, थर्टीन जून, यार आपका कौन सा है, 2020। देन राइट योर नेम, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने नेम की स्पेलिंग राइट करिए। देन एच डब्ल्यू, यहाँ पर आपको क्या करना है, एच डब्ल्यू मेंशन करना है। ओके डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर में वी डब्ल्यू एक्स राइट करना बताया था। आई होप आपने उसको अच्छे से राइट किया होगा। सो अब मैं आपको उसके आगे के अल्फ़ाबेट को राइट करना बताऊंगी। ओके, एक्स फॉर एक्समस ट्री होता है ना, एक्स फॉर एक्समस ट्री का आफ्टर लेटर कौन सा होता है, टेल मी। यस, वाई फॉर याक है ना, एक्स फॉर एक्समस ट्री के टी का आफ्टर लेटर कौन सा था, वाई फॉर याक। डे स्टूडेंट देखिए आपको कैसे राइट करना है, आपको फर्स्ट लाइन से थ्री लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद में सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक आपको ऐसे कर देना है। ओके, आपका कैपिटल लेटर वाई राइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट आपको स्मॉल लेटर राइट में फर्स्ट लाइन को लीव करके सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ऐसे थोड़ी तिरछी करके ड्रॉ करनी है। उसके बाद में इसको ऐसे कर देना है। ओके, यहाँ से ऐसे सर्कल कर देना है कि आपका वाई फॉर याक मेक हो जाएगा। वाई फॉर याक का आफ्टर आफ्टर लेटर कौन सा होता है, टेल मी। यस, जेट फॉर जेब्रा, क्या होता है, जेट फॉर जेब्रा है ना। देखिए जेट फॉर जेब्रा आप कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट लाइन से आप छोटी सी स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहाँ से ये इस जैसे आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, फिर ये इस वाली लाइन से आपको यहाँ तक ये इसी के नीचे से डॉट लगा लेना। ओके, यहाँ तक ऐसे थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इसके बाद में फिर यहाँ पे फिर स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, आपका जेड मेक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट आपको ऐसे ही स्मॉल लेटर जेड को भी राइट करना है, आप ऐसे सर्कल करना है आपको। ओके, वन और सर्कल करना है और इसको ऐसे कट कर देना है। आपको फर्स्ट लाइन को लीव करके ऐसे सर्कल करना है, फिर यहाँ से नीचे से सर्कल करना है, उसके बाद फिर इसको ऐसे कट कर देना है। ओके, आपका जेड फॉर जेब्रा मेक हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आपको लेटर को लेटर के नीचे इस तरह से ऐसे राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको लेटर को लाइन के अंदर ही राइट करना है, लाइन के बाहर नहीं राइट करना है। ओके, आप जो भी लेटर राइट करोगे नीट एंड क्लीन राइट करोगे, और लेटर को आप बोल बोल कर राइट करोगे, जैसे वाई फॉर याच, वाई फॉर याच, जेट फॉर जेब्रा, जेट फॉर जेब्रा। डियर स्टूडेंट आपको
लेटर को इसी तरह से बोल बोल कर अच्छे से राइट करना है और लेटर को नीट एंड क्लीन राइट करना है। ओके, कुछ बच्चे मैंने देखा था होमवर्क में, जो संडे को होमवर्क आया था तो उसमें कुछ बच्चों ने मतलब लेटर को क्लीन नहीं राइट किया था। मैं आपको बताती हूँ कि लेटर को लाइन से लाइन टच करके बनाना है इस तरह से, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स लेटर को ऐसे करा दे रहे हैं, ऐसे करा दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको वर्क ऐसे नहीं करना है। ओके, आपको वर्क को जैसे मैंने राइट करना बताया है, लाइन टू लाइन टच करके वैसे ही राइट करना है। ओके, जब आप लाइन टू लाइन टच करके लेटर को राइट करेंगे तो देखिए लेटर आपको कितना क्लीन दिखता है ना। आपको लेटर को इसी तरह से राइट करना। ओके, थैंक यू।